आज T20 मैच हुआ है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। इंडिया ने 222 का टारगेट बांग्लादेश को दिया है और इंडिया की कमाल बैटिंग की वजह से इंडिया जो है वो आज जीत चुका है। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज चल रही है। पहला मैच इंडिया जीता, अब दूसरा भी जीत गया, यानी कि सीरीज ही जीत गया। रेडी इज रेडी, नितेश रेडी, नाम भी रेडी है एंड ही इज एब्सोल्युटली रेडी। द वे ही प्लेड टुडे इट वाज अमेजिंग। और देखें आज ऊपर के 3 विकेट जो है जल्दी गिरी हुई थी, 3 विकेट जल्दी गिरी हैं, उसके बावजूद भी जैसे तो ये कोई वेटरन है, ये इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब तोबा तोबा तोबा। NKR ने जो फेटा मारा है, जो लाठी चार्ज किया है, मतलब एक भयानक किस्म का लाठी चार्ज था भाई साहब बांग्लादेश के ऊपर। 7 सिक्सेस मोहसिन साहब, मेहदी हसन मिराज को T20 में, ये आसान नहीं है। बांग्लादेश को कहा किसने था कि इंडिया में जब आप पाकिस्तान से जीते हो 3-4 साल आपको खुशी मनानी चाहिए थी और अपने घर में चले जाते, पागल थे आप उधर पंगा लेने चलकर, उधर स्टेटमेंट्स क्या दे रहे हैं कि हम फाड़ देंगे, मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे। अभी आपका फाड़ मरोड़ तोड़ के उन्होंने बास्केट में फेंक दिया, निकल जाओ। आखिरी मैच दुआ मांगो, अपने बूट शूट बुलाओ और बारिश करवा दो, इज्जत बचाओ किसी तरह से, बल्कि ना मैं कहता हूँ भागो, यकीन जानो इज्जत करो, आखिरी मैच में तो बचा लो। लिटरली यार इतना भी कोई मतलब जुलम करता है, मैं सोच रही हूँ बांग्लादेश जो है वो तीसरे मैच में तो वो कह रहे होंगे भाई हमें जाने दो, हमें नहीं खेलना इंडिया के साथ, हम यहाँ पर तो हम तो खेलने आए थे, हम तो खुद मतलब हमारे साथ खिलवाड़ हो गया। इस टाइम इंडिया की टीम में यंगस्टर्स हैं लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। जो सीरीज है ये बच्चों ने जिताई है, हिंदुस्तान के उन्होंने जिताई है ये सीरीज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों कल का दिन यानी 9 अक्टूबर भारतीय क्रिकेट के लिए काफ़ी शानदार रहा। न सिर्फ भारतीय मेल टीम ने बांग्लादेश को शानदार तरीके से हराया बल्कि उसी के साथ साथ इंडियन वीमेन टीम ने भी श्रीलंका को बुरी तरीके से धोया। जी हां, जिस तरह से भारतीय टीम ने बिल्कुल डोमिनेटिंग तरीके से 220 रन बना करके बांग्लादेश को 135 पे रोक करके यह मैच जीती, जिसमें नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह ने शानदार परफॉर्मेंस किया। तो वहीं पर इंडियन वीमेन टीम जिसने 20 ओवर के अंदर 20 ओवर में 172 बनाया, वो भी सिर्फ 3 विकेट पे, जिसके अंदर हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना और सैफाली वर्मा ने शानदार बैटिंग की। और फिर उसके बाद श्रीलंकन वीमेन टीम को सिर्फ 90 रन पे ऑल आउट करके भारतीय वीमेन टीम ने यह मैच बिल्कुल ही डोमिनेटिंग तरीके से जीत ली। यानी कह सकते हैं कि भारतीय मेन और भारतीय वीमेन टीम दोनों ही इस समय ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि इस समय वीमेन क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसके अंदर इंडियन वीमेन वर्सेस श्रीलंकन वीमेन क्रिकेट मैच हुआ था, जिसमें इंडियन वीमेन टीम ने श्रीलंका को हरा करके मैच अपने नाम कर ली। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। पहले दो टेस्ट मैच, फिर पहला T20 और अब इंडिया ने दूसरा T20 अपने नाम कर लिया है। बांग्लादेश को अपने घर में बुलाकर इंडिया वो धो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात, बांग्लादेश को कहा किसने था कि इंडिया में जब आप पाकिस्तान से जीते हो 3-4 साल आपको खुशी मनानी चाहिए थी और अपने घर में चले जाते, पागल थे आपको उधर पंगा लेने चलकर, उधर स्टेटमेंट्स क्या दे रहे हैं कि हम फाड़ देंगे, मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे। अभी आपका फाड़ मरोड़ तोड़ के उन्होंने बास्केट में फेंक दिया, भाई अनबिलीवेबल, अनकाउंटेबल और मैं कहता हूँ रिमार्केबल भाई परफॉर्मेंस। इसे कहते हैं रोहित नहीं है, विराट नहीं है, बुमराह नहीं है, एक बार भी कमी महसूस हुई तो मुझे बताएं। यही लोग ना कहते मार मार के पागल कर दिया था, यकीन जाने इंडियन बॉलर ने ऊपर से बैट्समैन देखे और ऊपर से, भाई मैं आपको एक बात बताऊं आसानी से, मैं जनवन एक बात निकल जाऊं, आखिरी मैं दुआ मांगो, अपने बूट शूट बुलाओ और बारिश करवा दो, इज्जत बचाओ किसी तरह से, बल्कि ना मैं कहता हूँ भागो, यकीन जानो इज्जत तो आखिरी मैच में तो बचा लो। इंडिया वो टीम है, इंडिया को पहले इन्होंने टेस्ट के अंदर एक्सपोज किया, पूरी तरह उन्होंने व्हाइट वॉश किया, फिर पता नहीं क्या बांग्लादेश के माइंड में है कि T20 खेलेंगे, T20 में परफॉर्म देंगे, पता नहीं इनका दिमाग खराब हो गया। दोस्तों क्या कमाल की विन हासिल की है इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ, यकीन करें मैच देखकर मजा आ गया। मतलब मैंने मुकम्मल मैच नहीं देखा मगर मैंने जो उसके थोड़े बहुत हाइलाइट्स देखे हैं वो इतने कमाल थे। लिटरली यार इतना भी कोई मतलब जुलम करता है, मैं सोच रही हूँ बांग्लादेश जो है वो तीसरे दिन क्या सोच रहा होगा, तीसरे मैच में तो वो कह रहे होंगे भाई हमें जाने दो, हमें नहीं खेलना इंडिया के साथ, हम यहाँ पर तो हम तो खेलने आए थे, हम तो खुद मतलब हमारे साथ खिलवाड़ हो गया। लिटरली मतलब अब बांग्लादेश को अगर आप देखते हो वो बेचारे आए तो खेलने थे लेकिन वो तो मुसलसल पिटे जा रहे हैं, मुसलसल पिटाई हो रही है उनकी। इतना ज़बरदस्त मैच इंडिया की जानिब से खेला गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब प्लेयर्स ये नए प्लेयर्स हैं, ये नई खतरे की घंटी है
तमाम दुनिया की जो क्रिकेट है उन सब के लिए। अखीर हो गई है, यकीन करो जितना दिल टूटा हुआ था ना पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखिए, मौज करवा के रख दिया। भारत ने क्या शानदार बल्लेबाजी की है, शॉट पे दाद देने, बल्कि ये यंग भारत की टीम है। नीतीश कुमार रेड्डी यार, इसको फर्स्ट टाइम से तरीके से देखा है खेलते हुए, और क्या आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है लड़के ने। 7 छक्के मारे, 218 का स्ट्राइक रेट, बॉलर के लिए 20 साबित हुआ है। क्या शानदार किस्म की पावर हिटिंग देखने को मिली है नीतीश कुमार रेड्डी। आप ये देखिए सुनिएगा, 41 के ऊपर तीसरी विकेट गिरी थी सूर्य कुमार यादव की, 7.4 ओवर हो गए हुए थे, 54 था भारत का। एक नो बॉल होती है, महमूदुल्ला एक नो बॉल करता है, उसके बाद से नीतीश कुमार रेड्डी 13 बॉलों पे 13 पे था, उसने छक्का मारा है। 7.4 से 10 ओवर तक 14 बोले बनती हैं। इन 14 बोलों के अंदर इंडिया ने 46 रन मार के 10 ओवरों में 101 के ऊपर ले गए। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की भारत ने। उसके बाद जब तक नीतीश कुमार खेलता रहे, ओ भाई साहब आज तो 270 होता हुआ नजर आ रहा था, अगर वो आउट ना होता तो नीतीश कुमार रेड्डी तो खेलता है। वो क्या नाम है उसका, रिंकू सिंह, वो क्या बलाक प्लेयर बन चुका हुआ है। उसकी एवरेज आप देखो T20 के अंदर, उसका स्ट्राइक रेट देखो, और मुझे जो स्पेशल चीज लगी इस भारतीय टीम के अंदर, देखिए शायद लोगों को बुरा लगे, जब रोहित और कोहली खेलते थे ना तो इस टीम के अंदर जैसा कहते हैं ना इतना हाई स्ट्राइक रेट भी नहीं आता होता हर प्लेयर का, लेकिन अगर आप देखो वर्ल्ड कप के बाद से ये जो टीम है ना, तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेती। इस इंडियन टीम में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो एंकर रोल प्ले करे। आप रिंकू सिंह को कभी नंबर 6 पे भेजोगे तब भी रन करेगा, उसको वन डाउन पे भेजोगे तब भी रन करेगा। इनका हर बंदा आके मारने की कर रहा है, सही एंटरटेनमेंट ये टीम बनी हुई है। ये सच्ची में जो टीम है इस वक्त पूरी दुनिया की, ऑस्ट्रेलिया, मैं पहली दफा कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं ऑस्ट्रेलिया बड़ी ऊपर है, लेकिन मैं कह रहा हूं इस वक्त जो इंडिया T20 क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया से भी एक कदम ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि इनका हर जो प्लेयर है ना वो आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी कर रहा है। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज चल रही है, पहला मैच इंडिया जीता, अब दूसरा भी जीत गया, यानी कि सीरीज ही जीत गया। इस टाइम इंडिया की टीम में यंगस्टर्स हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश और इंडिया T20 आज मैच था, सीरीज जीत गया इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? 221 स्कोर बनाया और 222 का टारगेट दिया। देखिए जैसे सबसे पहले तो एक बात करना चाहूँ, कहाँ पे इंडिया की टीम और कहाँ पे बांग्लादेश। देखिए पहले हम ये कह सकते थे तो, कि भाई मुकाबला नहीं बनता, कि भाई वहाँ पे विराट कोहली है, इसके अलावा रोहित शर्मा। मुझे एक बात बता दें, अगर आपको कमी महसूस हुई है विराट कोहली की या रोहित शर्मा की कहीं भी, तो आप मुझे बता दें। उनके जो यंगस्टर प्लेयर्स आए हैं अभी, हमने वो रेडी को देखा है, वो हर टाइम रेडी है, वो हर टाइम उसको क्रिकेट के लिए दीवाना है और वो रेडी है। वो कहता है मुझे, जब मैं सोया हूँ मुझे उठा दे, मैं खेल के दिखाऊंगा। कोहली यादव आ गया ये पिछले मैच में, उसने अपना डेब्यू किया है, बिल्कुल यंगस्टर प्लेयर है। T20 जैसे मैच में जहाँ पे एक एक बॉल की कीमत होती है, उसने अपना पहला मैच, पहला जो ओवर फेंका है वो 150 के राउंड बॉल रफ्तार से फेंका है। अच्छा। और वो मेडन ओवर किया है उस रिसेंटली, जो पाकिस्तान का और बांग्लादेश का हमारी होम सीरीज हुई है, क्लीन स्वीप करके गए यहाँ से, बांग्लादेश वाले यहाँ से वो चलेंगे इंडिया जाके वो खुद व्हाइट वॉश हो गए।